हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जो भी स्टूडेंट इस समय अटल बिहारी वाजपेयी सेकंड राउंड काउंसलिंग तो ख़त्म हो चुकी है और कॉलेज उनको अलाटमेंट हो चुका है, तो अब उनको जाके उस कॉलेज में एडमिशन लेना हो जिस कॉलेज में उनका कॉलेज चूज हुआ है, या प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, तो आप भी DGME की साइट पे गूगल पे सर्च करके नीचे स्क्रॉल डाउन करिए और फिर फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करिए। फर्स्ट वाले लिंक पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि 1 तारीख को आपको एक अपडेट हुआ था। अब उस 1 तारीख को जो अपडेट हुआ था उस पर आप उसको डाउनलोड कर लीजिए उस PDF। तो ये लिंक जैसे ओपन होने के बाद आप नीचे स्क्रॉल डाउन करिए। नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये आप देखिए, एक एक स्टेप देखिए, आप भी ऑल पे क्लिक कर लिया करिए। भी ऑल पे क्लिक करने के बाद आप जितनी भी अपडेट टोटल हुई होंगी वो आपको शो होने लगेगा। देखिए नीचे, अब 1 तारीख को एक आपको अपडेट हुआ था वो आप ढूंढ लीजिए कि 1 तारीख को अपडेट जो हुआ था ये वाली अपडेट थी। देखिए ये अपडेट थी ये वाली, ये देखिए 1/12/2022 को। इसको PDF को आप डाउनलोड कर लीजिए। इसको PDF को आप डाउनलोड करने के बाद आप इस PDF में देखिए क्या चीज़ लिखा गया है। 1 तारीख को ये PDF डाउनलोड किया गया था। इस PDF में एकदम एग्जैक्ट डेट लिखी गई है। देखिए जूम करके देखिए, ये देखिए इसमें क्या लिखा है। आपका जो आवंटन पत्र डाउनलोड करने, जो आपका सीट अलाटमेंट लेटर है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, PDF करके डाउनलोड कर लीजिए और उसका प्रिंट आउट ले लीजिए। और ये देखिए दिनांक 9 तारीख से लेके दिनांक 9/12/2022 से लेके 13/12/2022 तक आप जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो एडमिशन लेने का यही तरीका है कि आप अभी 1-2 दिन आपका डेट बढ़ सकता है, 13 से 14-15 हो सकता है, लेकिन उस डेट का आप इंतज़ार ना करें। आप 9 तारीख को या चले जाएं या 10 को, संडे छोड़ दीजिएगा, बीच में आपका संडे पड़ेगा, संडे को मत जाएं, और आप 13 तक के बीच में आप एडमिशन ज़रूर उस कॉलेज में ले लें। अब काफ़ी स्टूडेंट का ये है, काफ़ी स्टूडेंट अपडेट किए हैं कि उनको एक कॉलेज पहले मिल गया था, रिसफल करके उनको दूसरा कॉलेज मिला है। तो अब वो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। जो सर्टिफिकेट और जो डॉक्यूमेंट्स मैंने जमा कर दिए हैं, जो मैंने पैसे पेड कर दिए हैं, अब उस पैसे को कैसे मिलेगा। तो अगर आपका अपडेट हुआ, कोई भी स्टूडेंट हो उनका कॉलेज अपडेट हुआ, तो जिस कॉलेज में पहले वो एडमिशन ले चुके थे उस कॉलेज में जाके वहाँ पर संपर्क करें। वहाँ पर संपर्क करने के बाद वहाँ पहले तो डॉक्यूमेंट्स आपके 100% आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे मिल जाएंगे। वहाँ पर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जमा किए हैं सब डॉक्यूमेंट्स आपके मिल जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे, फिर उसके बाद वहाँ कंफर्म करिए कि जो मैंने पैसे पेड किए हैं वो पैसे जो पेड हुए हैं वो पैसे क्या आपके डायरेक्ट उस कॉलेज के अकाउंट में जाएगा कि मुझे चेक प्रोवाइड किया जाएगा। वैसे तो उस कॉलेज में आपका डायरेक्ट वो लोग एक स्लिप देंगे, वो डायरेक्ट स्लिप जाके वहाँ जमा करेंगे। तो वहाँ पर संपर्क करें जिस कॉलेज में आप पढ़ रहे होंगे, तो वहाँ से वो चीज़ें हो जाएंगी। और अगर काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, तो मैं एक वीडियो पहले बना चुका हूँ, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से उस पर क्लिक करके ज़रूर वो डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और काफ़ी स्टूडेंट ये भी पूछ रहे थे कि जब मैंने डॉक्यूमेंट्स वाली वीडियो बनाई थी कि क्या जो उसमें एक एफिडेविट लग रहा है एंटी रैगिंग का, तो जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेंगे वहाँ एफिडेविट रैंकिंग एक आपका मिल जाएगा। वहाँ पे फॉर्म भर लेंगे तो वो मत चिंता करें कि रैंकिंग का एक एफिडेविट लगेगा, तो एफिडेविट हो जाएगा वहाँ पे जहाँ से आप करेंगे। और एक कमेंट और था कि मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा कि नहीं, तो मेडिकल सर्टिफिकेट जिस कॉलेज में आपका एडमिशन होगा वहाँ पर आपका मेडिकल चेकअप होकर मेडिकल सर्टिफिकेट बन जाता है कोई कोई कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में, तो उसकी भी चिंता ना करें। और कोई भी डॉक्यूमेंट्स अगर आपके पास ना हो तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे एडमिशन लेने जाएं ही ना, एडमिशन लेने ज़रूर जाएं। अगर मान लीजिए कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास नहीं रहता है तो आपको डेट्स मिल जाती है, ड्यू डेट आपको मिल जाएगी कि इस डेट को आपको ला के जमा करना है, तो आप ज़रूर उस कॉलेज में एडमिशन लेने ज़रूर जाएँ। तो यही एक न्यूज़ थी। आप डॉक्यूमेंट से रिलेटेड वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, मिल जाएगी, और आप ज़रूर इसके बीच में ही आप एडमिशन जाके लें। डेट मतलब डेट बढ़ने की डेट बढ़ सकती है, चांस है 100%, क्योंकि डेट बढ़े थे, लेकिन उस डेट का इंतज़ार ना करें। 13 के पहले आप एडमिशन ले लें, आप शनिवार को चले जाएँ। शुक्रवार आज है, 9 तारीख है, आज शुक्रवार है, कल शनिवार को चले जाएँ, फिर सोमवार तक तो आप 100%, 12 तारीख तक आप पूरा अपना
अपना कंप्लीट कर लें, उस कॉलेज में 100% जाएँ, देरी ना करें। फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना सब बुक की मैं सिलेबस भी बता दिया हूँ और बुक के बारे में भी बता दिया हूँ कि कौन सी बुक आप फर्स्ट ईयर में पढ़ सकते हैं। सेमेस्टर वाइज आपको बुक परचेज करनी पड़ेगी, फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर टोटल 8 सेमेस्टर होंगे, 8 सेमेस्टर टोटल 4 ईयर में होंगे, हर ईयर में 2 सेमेस्टर होंगे इंटरनल एग्जाम छोड़ के, जो कॉलेज वाले एग्जाम होते हैं मेन एग्जाम एक साल में 2 इंटरनल 2 मेन एग्जाम होंगे, तो सेमेस्टर वाइज होंगे। फर्स्ट सेमेस्टर होगा सेकेंड सेमेस्टर, फर्स्ट सेमेस्टर में क्या पढ़ना है सेकेंड सेमेस्टर में क्या पढ़ना है ये सब वीडियो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, किया भी हूँ चैनल पे, तो चैनल पे आप जाएँ जरूर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बस यही था, थैंक यू।